सख्ती के साथ निपटेंगे। बाकी बहुत मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बैठे हैं, ये भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका मिनिस्टर होम, मैं आपको और मैंने आपको वेलकम भी किया और अगेन थैंक्स आप लोगों ने हर शॉर्ट नोटिस किया आपको, लेकिन ये इशू सिर्फ हुकूमत में नहीं है, आपका भी ये सबका है। इसमें एक तो ये है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर बात की गई है, पाकिस्तान में चिकन के रेट्स कम हो गए, चावल के रेट्स कम हो गए, कुकिंग ऑयल के रेट्स कम हो गए, सरिया 60,000 टन नीचे आ गया, सीमेंट के रेट्स कम हो गए। यहाँ पे बदकिस्मती है, जैसे रेट्स बढ़ते हैं तो उसी वक्त को गड्ढू में उड़ा देते हैं, जब कमी होती है तो वो कहते हैं जी हमारे पास पुराना स्टॉक है, कहते हैं सरिया वाले के तो हमारे पास तो 2 महीने पुराना स्टॉक है, हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं तो स्टॉक पुराना है या नया है। जो रेट अप्लाई होगा पाकिस्तान में वो कल से या परसों से सर यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 48 घंटे का है, लेकिन कुछ एरियाज में जिस तरह आपने बताया वो डीसी जामिर और डीसी गजर में चावल की कीमत गजर में कल से 55 रुपए कम कर दी पर केजी गजर में हो गया। ट्रांसपोर्ट के किरायों में डिप्टी कमिश्नर जामिर ने इनिशिएटिव लिया है, किसी के कहे बगैर उन्होंने वहां पे किराए कम कर दिए, ठीक हो गया जी। अब ये जो इसमें कोई जीरो टॉलरेंस होगी, मसल चिकन का रेट अगर पाकिस्तान में 150 कम हो गया तो यहाँ पे भी 150 कम होगा, उसी हिसाब से होगा। हुकूमत का काम ये है और वज़ीर-ए-आला गरीब पाकिस्तान की वाज़ह हिदायत है, इस पे वज़ारती लेवल की कमेटी भी कंस्टिट्यूट हो गई है, वो इन चीज़ों को देखेगी कि इंतजामिया उस पर अमल दरामद करा रही है, उस पर जो है ना वो कहीं पर खबर तो निकल रही है, वो देखेगी। उसमें यह है कि अभी आप लोगों को ये फिगर्स बतानी बहुत जरूरी है, मसलन जुलाई में जो रेट्स थे पेट्रोल के 253 थे पर लीटर, अब 283 है, 40 रुपये कम हो गए, उसके बावजूद हमने ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं 253 उस वक्त थे जुलाई में सर पेट्रोल की, अब 283 है, ठीक है, उसके बावजूद ये अप्लाई होगा 253 पे 30 रुपये हालांकि ज़्यादा है, उसके बावजूद किराए जो होंगे वो जुलाई 2023 के मुताबिक फिक्स होंगे। अब किरायों का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह है, मैं सिर्फ आपको 1.5 मिनट में बता दूं, ये पर किलोमीटर है, मसलन जो कैटेगरी ए मतलब जहाँ पे कराकुम हाईवे है या सिकागो रोड है, वो कैटेगरी ए में पर किलोमीटर जो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं वो 4.03 रुपये हैं, जो एसी है 5.72 रुपये हैं। इसी तरह बस आप समझ रहे हैं, इसको मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो सारी चीज़ें इसने अपना शम्स वाले आपको बता दी हैं। बात सीधी सी है कि आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही गफलत नहीं होगी, अगर कहीं पे इंतजामिया ने कोई कोताही की तो आप भी निशानदेही करें, हमारा काम भी है, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। जो भी पाकिस्तान में जो खुशकिस्मती से पिछले काफ़ी दिनों से डॉलर की कीमतें भी नीचे आ गई और बहुत से इकदाम हुकूमत ने उठाए जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो उसका रिलीफ पाकिस्तान से बराबर नहीं होगा तो उससे कम भी नहीं होगा, बल्कि वो बराबर पे जाएंगे, बल्कि कुछ एरियाज में हम कोशिश करेंगे कि मजीद कोई बेहतरी। अच्छा इस पे ना आपके सवाल लेने से पहले एक दफा मैं आपको एक और बात आपके सवाल रखूंगी, कल शायद आप दोस्तों को वो चीजें सोशल मीडिया के जरिए नजर आई होगी कि दिल्ली पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट के हवाले से 8.5 बिलियन की वो अप्रूवल भी हो गई, इस पे सीएम साहब जरूर हम क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी एफर्ट्स थी, पीएम साहब जब अपने विजिट पे आए थे उस वक्त भी पूरी कैबिनेट का भी डिमांड था और जाहिर है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त इस सौदे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी भी एफर्ट्स थी, साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस हवाले से बड़ी अपने लेवल पे एफर्ट्स की और भी हमारे इदारों की इस पर हमें सपोर्ट रही। अब 8.5 साढ़े 8 अरब रुपये का जो ये जो रिलीज आएगी गरीब पाकिस्तान में लामहल्ला वो पैसा सर्कुलेट होकर आम गरीब आदमी की एक्सेस तक पहुँच जाता है, इस पर वफाकी हुकूमत का इंतहाई आप समझें कि हम उसका उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मुश्किल वक्त में एक कम इतनी बड़ी रिलीज दे के हमारे जो मसले मसाइल हैं, हमारी जो गुर्बत थी, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो पहिया रुका हुआ था उसके लिए उन्होंने ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मैं मशहूर हूँ। ये रेट तो आप लोग जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपने इंतजामिया के, तो यहाँ पे एलपीजी का एक बड़ा इशू आ रहा है, हमेशा से यही होता रहा है कि ओगरा के जो रेट निकलते हैं जाहिर सी बात है ओगरा के रेट पेट्रोल और डीजल के भी वहीं से निकलते हैं, एलपीजी के भी वहीं से निकलते हैं, गैस है पेट्रोल और डीजल का तो इम्प्लीमेंटेशन होता है लेकिन यही कि सिलेंडर से नहीं होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया बना रहे हैं, क्योंकि एक कंफ्लिक्ट अभी एक महीने बाद यहाँ पे बड़ी इशू बन जाएगा। दूसरा ये कि
प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात करें, गिलगित में प्राइस कंट्रोल कमेटी शायद तक दो ढाई साल से यहाँ पर नजर नहीं आ रही, या नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, या मौजूद नहीं है, हमें मेरी नॉलेज में नहीं है, कम से कम क्योंकि हम फील्ड के रिपोर्टर हैं, क्या फाल नहीं है प्राइस कंट्रोल कमेटी, क्या उसको उसको तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के कोई ऐसी कमेटी बनाए के ताकि ये कोई इशू हो तो वो डायरेक्ट सुबह हुकूमत के पास आए, इन दोनों पर क्या कहते हैं? इस पे तो डीसी गिलगित साहब, बाकी सारे डीसी साहिबान तो हमने जोर पे उनको लिया था, डीसी गिलगित साहब अमीर आजम साहब तगड़े आदमी हैं और अभी हमारे साथ मीटिंग में वो थे और उन्होंने तो अभी हमें वॉलंटियर दिया है कि मैं अभी जो भी आज रात भर्ती करूँगा। हाँ मुझे ये मेरी बात मेरी नोटिस में नहीं, हो सकता है मिनिस्टर साहब की नोटिस में हो कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है गिलगित में वो फाल नहीं है। अगर वो फाल नहीं है आपकी बात अगर मैं फॉलो करूँ अगर इससे पहले के डीसी साहब ने अगर कंट्रोल प्राइस कमेटी को नेगलेक्ट किया या इग्नोर करके अगर उन्होंने जाती तौर पर अपनी अगर कोई कुटुमाई की है तो उस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि डीसी साहब अमीर आजम साहब हैवी कंपिटेंट तगड़े आदमी है, अभी उन्होंने हमें सबसे कितने कहा सर मैं अभी जाता हूँ निकालने के लिए अपने एडीसी को और अपने क्या नाम देते हैं एसी साहिबान को भी अनुभव लेके रात तक वर्किंग करके आपसे शेयर भी करूँगा और कल से इंशाल्लाह गिलगित की मार्केट में रेट्स के हवाले से जो भी कंट्रोल प्राइस डीसी साहब की तरफ जो रेट्स मिलेंगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह करके जरूर देंगे। इस पर जिस तरह मुझसे सब कहते थे कि हमारा इशू नहीं है सर, ये सबका इशू है, आप कल तो नहीं आप परसों मार्केट में जाके सारे लोगों से भी आप सुने सर अगर हमारी कमी कोताही है तो और की बात में जवाब दें, हम अपनी कमी को आगे बढ़ाते हैं के पावन के मार्ग पर। अच्छा मोगरा के हवाले से, मोगरा के हवाले से, मोगरा के हवाले से देखें मुझे इस वक्त मोगरा के रेट्स का क्योंकि मुझे टेक नहीं पता, लेकिन जब पेट्रोलियम के रेट्स कम होते हैं माशाल्लाह वो आपके एलपीजी के रेट्स हों या आपके चिकन के रेट्स हों या आपके मटन के हों या एशिया के गोश्त हों हर एक आइटम में रिलीफ मिल जाता है। जब आपको ट्रांसपोर्टेशन में रिलीफ मिलते हैं तो हर चीज डिपेंडेंट होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन पर, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह उस पर भी हम देख लेंगे। आप तो बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इस पर अगर सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मैं तो आप जरूर उनसे पाकिस्तान जैसा में 100% ज्यादा लिया जा रहा है जो रेट है जो किराया बनता है उनका 1% घट के उसमें हम डिप्टी कमिश्नर तमाम को एक चीज में आपको बता दूँ होम डिपार्टमेंट जो है तमाम चैनल देखता है होम मिनिस्टर भी और हमारे जो सेक्टर दाखिल दोनों एक्टिव बंदे हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और आप तवक्कु रखें कि दोनों की कॉम्बिनेशन से क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर डायरेक्ट गरीब आदमी को रिलीफ पहुंचाना है तो इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब और होम साहब दोनों इस वक्त जो है कमिटेड है और जबरदस्त काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको नजर आएगा अगले जो है ना एलपीजी के हवाले से सर वो सीमित सरिया का रेट वो चावल का रेट चीनी का रेट तो पता चल रहा मार्केट में भी लेके आ गए उसी रेट पे मिल रहे हैं जो पाकिस्तान में कम हुआ उसी रेट पे मिल रहे हैं चिकन भी मिल रहा है 700 ठीक है ठीक है। और दूसरा ये है कि सर ये जो असल जो नीचे जो गरीब तबके के लोग तबके के खाने के लिए मंडियों से जो प्याज टमाटर आलू वगैरह जो मिलते हैं सर इनके रेट ब्लैक करते हैं सर मार्केट वाले ये जो सब मंडियाँ हैं बड़ी मंडियाँ ये सबसे बड़ी माफिया सर इनको लगाम नहीं होते इनके रेट्स कम नहीं होते। दूसरा सर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट्स ये कम नहीं होते। अच्छा देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो डिस्कस किया था मैंने जुलाई के रेट्स किया तो इवन आज डीसी दियावर साहब ने कहा कि चिराज से स्वाद तक के लिए 300 रुपये कम कर दीजिए पैसेंजर का और दारे या तांगी उन्होंने एक स्टेशन कोड किया उसमें भी शायद 50 रुपये वो भी कम कर तो हमने उनको शाबाश भी दी जिससे डीसी साहब ने अपने नजर आपके ऊपर भी किया था। तो इस पे फिर वही बात 2 जुलाई 2023 वाला जब के रेट जब अप्लाई होंगे मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कहा 48 घंटे हमने डीसी साहब को दी लेकिन उन्होंने हमें ये इंकरेज हमें ज़रूर किया उन्होंने कहा सर हमें आप 24 घंटे जब इसको करके आपको बल्कि मैंने इन पे कंक्लूजन में मैंने ये कहा था इसके लिए सारे हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब के पास आपकी 48 घंटे के अंदर रेट्स की फाइल आनी चाहिए उस पर हम देख लेंगे अगर किसी के साथ जाती देखें ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे भाई हैं बिजनेसमैन भी हमारा भाई है
हम चाहेंगे कि किसी के साथ ज्यादा हो, ना आवाम के साथ ना बिजनेसमैन के साथ। सर सर लकड़ी के सर जो मिलती है 100 रुपए जिनकी मार्केटिंग में लकड़ी है, ये लकड़ी मिलती है उसके रेट बढ़ गए, उसके साथ साथ जो ब्रादर होता है वहाँ पर जो मुफ्त में मिलता है उनको, उनका रेट तकरीबन 1200 रुपए पर बोरी कर लेते हैं, यहाँ पे 40 के जी मिलता है, मिलता है सर मिलता है, लेकिन करते हैं उसी को साथ कंट्रोल करेंगे। ठीक है आप दोस्तों का हम इसलिए भी ज्यादा मशगूल हो कि आप हाईलाइट करते हैं तो उस इशू को हम हल करते हैं, क्रेडिट के हम सियासी लोगों को जाते हैं, मेहनत की आपकी होती है और क्रेडिट हम लेते हैं, ये हमें इंडोर्स करते हैं बात जनते भी हम देखते हैं। इस पर भी डीसी साहब तकरीबन इशू को हम इस पर भी हम उनको बता देते हैं यार कि लकड़ क्या हो रही है, आपका रेट गवर्नमेंट का एक रिटेल प्राइस होनी चाहिए, इस पर बिल्कुल वो जो गाँव से लेके आते हैं उनसे भी ज्यादा बेच रहे हैं, उसके बाद पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पहला दूसरा सवाल ये है जो गाड़ियां हैं उनके रेट्स तो आपने मुकर्रर किए हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी की फिटनेस के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, इस वजह से गाड़ियों का इंसिडेंट हो रहे हैं, धुआं है और हर तरह की वो जगह खराब हो गई, स्पेशली ये जो पिंडी इस्लामाबाद रूट है, गुनोमल रोड है या नगर है किधर है, इसके हवाले से कोई पॉलिसी ये चूंकि टोटली डोमेन है मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का, लेकिन एक बात चूंकि हम किसी अपने पुलिस मिनिस्टर की जिम्मेदारी तो हम भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हम आगे बढ़े तो गवर्नमेंट चलेगी। इस गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से मैंने सोशल मीडिया में जो चार देखा है कि बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगे, मैं चूँकि आखिर मुझे ट्रांसपोर्टर ना समझे, नॉन ट्रेवल के नाम से एक्सपोर्ट से भी ट्रेवल चलती है, मुझे अक्सर शिकायत आती है कि वो जी आके पुलिस वालों ने एक्साइज वालों ने हमारी गाड़ी रोकी है, फिर मैं रीज़न पूछता हूँ उसी का पता चलता है प्रीवियस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, वो ईयरली ईयर टू ईयर वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, एक तो ये मैं नजीब डिटेल आपको सर एक्साइज आप बता देंगे, दूसरा आपने भी दोस्तों ने देखा होगा चलास में जो है ना एक्साइज या डी सी साहब ने गाड़ियाँ रोकी थी वहाँ पे गाड़ी वालों से पैसे निकाल के वापस पैसेंजर को दिए जाते थे, एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज दिए थे। यार गवर्नमेंट देखें गवर्नमेंट होते आप भी किसी बदली है और गवर्नमेंट में हम सब आप भी बताइए जो आप चाहते हैं कि इशूज खत्म हो जाए, आप हाईलाइट करें इशूज खत्म करना मेरा काम है सर का काम है, ये जो आपके मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है यकी कंपनियाँ के थ्रू जो आप कर रहे हैं वो बेचारे जो उसका हम जब से होश हमें संभाला है तब तक वो ठीक है, उनको कंट्रोल होंगे ये तो बड़ी चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो उनके दफ्तर के अंदर ए सी ओ डी सी के दफ्तर के अंदर आप देखें कि एक प्रॉपर्टी के लिए 500-600 रुपये रिश्वत देते हैं वो काबू नहीं कर सकते, तो इतने बड़े सेंड किया है हमारा ये आप जाने वो जाने, मेरा सवाल एक और इंटरनेशनल सिनेरियो ये है इस वक्त फलस्तीन पे जो इशू पैदा हुआ है उसकी वजह से जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कुछ उनको मुझे वाकियात में चाकू से हमारे काम में मौजूद है कुछ शहरियों को जो खतरा ग्राहक है विजिट पाकिस्तान में तो उस हवाले से क्या इंतजाम होगा मैं क्या सोचा है इसके साथ सर आपका ये जो क्योंकि हमारा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में अभी मैं जितने यहाँ पे फॉर्मर अभी तक है उनकी 100% उनके ऊपर वाचिकी होती है उनकी के मामला भी देखे जाते हैं, स्पेशली यहाँ पे चाइनीज के साथ आज भी उसकी मरम्मत करते थे बम बना वो पास में जो पास हुआ था, बाकी इंडिविजुअली अभी तक किसी कोई फॉर्मर की तरफ से ऐसा कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जहाँ पे लोगों ने यहाँ पे जी के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन चूंकि ये टोटली फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही आपका जो फॉरन वापस होता है उसकी उसका कोई मैकेनिज्म या उसकी कोई पॉलिसी अगर हमारे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर की जाती है कि यहाँ पे फॉरनर जितने इनको आप वापस भेज दें या इनकी सिक्योरिटी के हवाले से कॉशियस हो जाए वो तो फिर गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन अलहमदिल्ला भी तो ऐसा कोई नहीं है वाकई या
सर के पास दूसरा आपने पी आई ए के हवाले से कि मेरा भी बड़ा दिल दुखता है जब मैं 28-30 हज़ार रुपये का टिकट देती यहाँ से 50-55 मिनट की फ्लाइट में ट्रेवल करता हूँ तो चूँकि ये मेरा सब्जेक्ट शायद डायरेक्ट तो होता ही होता है अगर वो होनी भी अगर हो तो शायद वेदर उनको नहीं करता था आज शायद एक फ्लाइट हुई है लेकिन मुझे किसी ने कहा फ्लाइट हुई है सर ये क्या वजह है कि आप ये रेट्स के हवाले से बिल्कुल भी मैं देखिए सर मैं आज गवर्नमेंट में हूँ तो या अगर आज मैं अच्छी तनख्वाह लेता हूँ या मैं अफोर्डेबल आदमी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं खामोश हूँ ये तो सबसे बड़ी बेजरीरी है आज भी अगर आप इस फ्लाइट को देखें तो 15,000 से ज़्यादा का टिकट बिक रही है। अच्छा सर ये बताइए क्योंकि अभी आपने महंगाई के हवाले से बात की और भारत के हवाले से बात की कल कॉम्प्रेस जमाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियासत पाकिस्तान से छठ किया कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर हमें तंग किया जा रहा है पाकिस्तान की ज़बरदस्ती आई ने जहाँ पर हमें थोपा जा रहा है और जो असम्बली है उस पर भी इन लोगों ने कहा कि ये जो मुस्लिम असम्बली है इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है तो उन लोगों ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त चल रही है तो बहसीत वजीर दाखिला उनके उस तहरीक के हवाले से आप लोगों ने कोई कलम बनाया है उनको काउंटर करने के हवाले से। देखें मैं एक बार कैटेगोरिकली और क्लियरली बता दूं कि बिल्कुल पाकिस्तान हम सब लॉयल पाकिस्तानी हम सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन के अंदर आए हमारा यही मुतालबा है पिछले 75 सालों से और हम हर फोरम में रोते हैं कि हमें आइन पाकिस्तान से बाहर क्यों रखा गया। मैं आपको एक बात बताऊं आज आपके वसातत से मैं NDU कोर्स में था काजी में थे उस पर बाजवा साहब आर्मी चीफ थे लिटरली मैंने आर्मी चीफ साहब का हाथ पकड़ के मैंने कहा था सर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे कब तक आप रख के चलाएंगे ये अन रिकॉर्ड बात है और ये मैं छोटी बात नहीं करता ठीक है। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स किया था। रहा मसला कौम परस्त हमारे दोस्त हैं अगर जिस दिन पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से स्टेट के हवाले से पाकिस्तान की आप समझें वाहदानियत के हवाले से जो भी है आप अगर इसको समझें पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसीज़ के हवाले से तो ठीक है अगर उनका कोई इख्तलाफ है तो अपने इख्तलाफ राय खुल के बताएं लेकिन स्टेट के एंटी स्टेट अगर कोई एक्टिविटी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कहीं भी अगर कोई लाइन एक हर बंदे के ऊपर एक लाइन है लाइन क्रॉस करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून सख्त हरकत में भी आएगा और शायद वो बच भी नहीं पाएंगे और वो शेड्यूल 4 में शेड्यूल 4 का मकसद ये होता है ना कि वो अपने थाने की इजाजत के बगैर मूवमेंट नहीं कर सकता डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकता। अब उसने आके चलो गलत है या सही है वो शेड्यूल 4 में आके 2-3 जगहों पे इस्तेमाल से उसने खताब किया है उस पर अदालती तौर पे उसका एक कार्रवाई है अदालत ने रिमांड पे पुलिस के हवाले कर लिया। अब अगर एक अदालत का एक मसला है और वो कुछ लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कोई और बात कर जाते हैं तो वो अपनी बात करें हम ये काम करेंगे कि आवाम को देखेंगे पब्लिक के इश्यूज को देखेंगे ये हुकूमत का काम है। कौम परस्ती के हवाले से एक बार फिर से मैं कहूँ देखें अभी तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बात की थी इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई शख्स कोई ऐसी बात करे जो जिसका बेनिफिट हमारे असली दुश्मन इंडिया को जाए या वो केस करने की कोशिश करे वो इस धरती का भी दुश्मन है वो मुल्क के पाकिस्तान का भी दुश्मन है वो अफवाज पाकिस्तान का भी दुश्मन है ये इस पर तो सर कोई दोराय नहीं कोई चाहे मैं हूँ चाहे जो भी इस धरती का बेटा है कोई ऐसी उनकी स्टेटमेंट हो कोई ऐसी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जिस पे बेनिफिट ले हमारा असली दुश्मन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शैतान को जो एक मुसलमान लानत भेजता है उससे ज्यादा अगर हम लालच इस इंडिया के मुल्क भेजते रहें तो भी शायद मेरी बड़ा उसको कम नहीं होती। मुल्क पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात की जो लिमिट क्रॉस करके आगे निकले या उसका बेनिफिट इंडिया को चला जाए वो इस कौम का मुजरिम है इस कौम का दुश्मन है इस मुल्क का दुश्मन है उसके ऊपर गवर्नमेंट की नजर भी होती है इदारों की भी नजर होती है वो फिर इदारों की रिट से या गवर्नमेंट की रिट से बात होती है और रियासत दोनों ये आपका जो एक मेंबर है अभी हुसैन जी है उसको भी गुलाम शहजाद साहब को शेड्यूल 4 में बोलिंग थी स्पीकर की असेंबली की
ना उसको शेड्यूल फोर से निकाला गया, पहला सवाल। दूसरा है कि ये शेड्यूल फोर तो बना था दहशत गर्दों के लिए, इसके अंदर सियासी कारकुन भले वो कौम परस्त हो, मजहबी जमातों को, उनको रखना ये क्यों रखा जा रहा है? देखें सबसे पहले तो आपने आगे शहजाद साहब की बात की, उसमें वो अपोजिशन में थे और गट के सबसे ज्यादा अपोजिशन भी मेरी होती थी, आप दोस्तों को पता है। मैं गवर्नमेंट में था उस वक्त भी मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि अगर शहजाद साहब को शेड्यूल फोर से निकाला जाए। मैंने तकरीर की थी उस वक्त, खालिद खुर्शीद साहब चीफ मिनिस्टर थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी। आप रिकॉर्ड उठा के देखें असेंबली सेक्रेटरी को आप एप्लीकेशन में, आप हमारा तो एक लफ्ज वहाँ पे बुकलेट की शक्ल में प्रिंट होकर आ जाता है। मैंने आगे शहजाद साहब चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं, इख्तलाफात मेरे आज हो सकते उनसे हज़ार हो सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन मुझे खुद इस बात का अफसोस था कि एक पॉलिटिकल आदमी को जो असेंबली मेंबर है, अगर वो असेंबली मेंबर नहीं होता तो शायद मैं उसके एग्जाम में नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो दोस्त हैं जो हमारे शेड्यूल फोर में। तो एक तो ये बात क्लियर मैं आपको करूँ। दूसरा, शेड्यूल फोर के अंदर जितने लोग हैं ना, मैं अगर मुझे आज होम मिनिस्टर बने दो ढाई महीने हुए, 17 जुलाई उठाया, इस दौरान मुझे मेरी नोटिस में नहीं है कि किसी पॉलिटिकल आदमी को शेड्यूल फोर में डाला गया। अगर आप मुझे बता दें, मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, आपसे शेयर करूंगा। हम ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स के कायल हैं, और जो भी चीज़ हम मीडिया के जरिए, ये मुझे नहीं पता कि दहशतगर्द आप बताए ना, वो दहशतगर्द क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता वो दहशतगर्द है, आपकी बात इसमें मसला है ना कि दहशतगर्द है या कोई और लीडर है, आप उसकी जरा कार्रवाई निकाल के देखेंगे ना, उसमें सारी चीजें डिटेल्स हैं कि इसको क्यों शेड्यूल फोर में डाला है। देखें, आपने वैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा, ये कोई भी आदमी दहशतगर्द है या नहीं है, मुजरिम है या मुलजिम है, ये डिटरमिन करना है अदालत, उसका केस लामहल्ला अदालतों में होगा। अदालत में जो जुडिशरी का काम है, होम मिनिस्टर के आपको तो नहीं क्लियर कर सकता, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ सियासी लोग जो है ना, इनके ऊपर इस तरह के जो दफे हैं या इस तरह शेड्यूल फोर है, हाँ अगर वो कोई किसी ऐसी एक्टिविटी उसने कोई एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो गया, उसने कोई प्रैक्टिस की है, तो उस पर चाहे शख्सोन एज होम मिनिस्टर की भी गलती करता है अगर इसके शेड्यूल फोर इम्पोज होना है। हमने चूंकि एक अच्छी खबर थी, आप शब्बीर साहब को वो भी कहीं मिक्स ना हो जाए, ये मैसेज ये था कि जी पेट्रोलियम मसलात की कीमतों में कमी आ गई है, दूसरी चीजें कम हो गई, तो उनका जो रिलीफ है या बेनिफिट है जीबी के आम आदमी को भी मिलेगा, बेसिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करो साथ एक तजवीज भी है सर, क्योंकि पहले ही सवाल किया कि सबसे बड़ा जो मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि जता साहब ने भी बताया कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है सर, उसके लिए क्या है पॉसिबल है कि तमाम इलाकों में या कोई ऐसा कंप्लेंट सेल बनाए जिसमें लोगों का एक्सेस हो, कंप्लेंट कर सके कि यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो चूंकि बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, इसको इंश्योर करने की जरूरत है। नकवी साहब, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की है, प्रेस पब्लिक की फेवर की बात की कि हम रेट्स कम करें, एक स्टार रेजा हो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो, ये चीज है ना। अगर नहीं देखें अगेन जी, मैं ये बात डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन है, जिसने भी कंप्लेंट दर्ज करनी है वो जाए डीसी साहब के पास जाके वो प्रैक्टिकली बता दें प्रूफ के साथ कि सर आपका रेट ये था चिकन का, फर्ज करें 300 रुपये पर के जी, लेकिन मुझे फिलहाल के बंदे ने 350 रुपये, वो बिल ले रहे हैं बेशक, जिससे आप कोई आइटम परचेज करते हैं शहरों में इस्लामाबाद में देखें, हर पत्ती लोग जाके अगर 100 रुपये की परचेजिंग करते हैं वो बंदे वो बिल जरूर डिमांड करते हैं, वो जाके बेगम के सबको टेली करते हैं यार इसमें देखें रेट। हमारे लोग जो है ना इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, लेकिन शॉर्ट ये कहूँ कि जो भी अगर इस तरह किसी के हाथों अगर उसके साथ ज्यादती होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के रेट से, ट्रांसपोर्टेशन के, या इवन आपके शायद खुदरोश के, या इवन सीमेंट सरिये की हैं, जो भी वट एवर जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात है, एक एक आइटम बिजली के ऊपर भी मुझे यकीन है कि इसका रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंट है पेट्रोलियम के। 40 रुपये पर के जी अगर पर लीटर अगर रेट कम हुआ है और 15 रुपये डीजल में, तो हर चीज़ का रेट नीचे आएगा। अगर किसी को ऐसी कोई शिकायत हुई तो वो मुतलिका डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब को ज़रूर हो जाए, या अगर वो अगर तहसील लेवल का गांव का आदमी है
वो जाके अपने एसी साहब के दफ्तर तक पहुंच करके वो प्रैक्टिकली बता दे। एक तो होता है कि हवाई एक बात होती है, उसने मेरे साथ ये ज्यादती की प्रैक्टिकल चीजें सर। मैं इस पर आपको क्लियर करूँ, ये हमला बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हमला बिल्कुल भी नहीं, मिसहेव था। मेरे पास वीडियो भी, आज मैंने वीडियो मंगवाई, चूंकि बहुत ऑनरेबल जज साहब है, वैसे भी किसी भी हर शहरी हमारे लिए ऑनरेबल है, हर शहरी का तहफ़ भी हुकूमत का फर्ज है। वो काजी साहब की गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उस दौरान वो गाड़ी, चूँकि जज साहब तो एक प्राइवेट कार में थे, आपने देखा भी होगा, एक ये बड़ा मिसहेव था, किसी को नहीं पता था, आम बंदे को तो जज साहब शायद जज साहब को जानते भी नहीं होंगे, एक मिसहेव था। इसमें भी जो है जो हुआ है जज साहब वो गलत हुआ है और गलत फहमी हुई है, इस पर भी हम देखते हैं कि हम इस पर क्या कर रहे हैं। जैसे तो जुडिशियल सबसे ज़्यादा पावरफुल।